बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। गाइस क्या ही डायलॉग है, लिटरली ये डायलॉग सुनने के बाद मुझे गूज बम्प आ गए थे। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। गाइस जैसे कि आपको पहले से ही पता था कि इस मूवी में शाहरुख खान का डबल रोल है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये डायलॉग जब थिएटर में बोला जाएगा तो क्या होगा। मेरे हिसाब से थिएटर ही फट जाएगा और साथ ही ये बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। बॉक्स ऑफिस हो जाएगा ब्लास्ट। मतलब अगर सीधी बात बोली जाए तो ये ट्रेलर बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है गाइस। अगर मैं प्रीव्यू की बात करूं तो देखो यार कि ये कितने चालाक हैं। प्रीव्यू को फुल सीरियस बनाया था, मतलब के प्रीव्यू के अंदर सिर्फ एक्शन ही एक्शन दिखाया गया था, लेकिन ट्रेलर के अंदर कॉमेडी, एंटरटेनमेंट एंड एक्शंस, इमोशंस, एवरीथिंग। जैसे कि कॉमेडी, फुल सीरियस बैठे हो, शाहरुख खान कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि हंसी आ जाएगी, जैसे ये सीन। ट्रेन का ये हाईजेक वाला सीन हम लोग मूवी में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इसी सीन में शाहरुख खान कहते हैं कि मुझे आलिया चाहिए। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट। और ऐसी ऐसी डायलॉग डिलीवरी होने वाली है शाहरुख खान की जो कि माइंड ब्लोइंग होगी। गाइस उससे भी बढ़कर ट्रेलर के अंदर दो तीन मेरे फेवरेट सीन आए हैं जिसे देखकर मैं तो हिल गया, जैसे कि ये दीपिका वाली सीन जिसमें शाहरुख खान की सिर्फ ये मूंछ है। फिर उसके बाद शाहरुख खान का वो डायलॉग, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। उसी टाइम एक लुक आएगी, आप लोग वो लुक जरूर देखिएगा, माइंड ब्लोइंग लुक है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड वाली म्यूजिक चल रहा होता है, म्यूजिक चलते चलते अचानक से एक कॉमेडी टाइप कुछ आ जाता है, फिर स्टॉप, फिर बीजीएम, फिर स्टॉप, फिर बीजीएम। ये चीज मुझे बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगी। उससे भी बढ़कर विजय सेतुपति का लुक, क्या लुक बनाया है, साउथ वाले इसको बनाने की सोच भी नहीं सकते। विजय सेतुपति जो मोस्ट फेवरेट विलन में से एक है, विजय सेतुपति का इतना खतरनाक लुक देखकर सभी हिल जाने वाले हैं। फुल व्हाइट हेयर, व्हाइट बियर्ड और इनका ये डायलॉग कितना। माय नेम इज काली, आई एम द फोर्थ लार्जेस्ट वेपन डीलर इन द वर्ल्ड। पावरफुल विलेन बनाया गया है। मैं ये मानता हूँ कि फिल्म में अगर विलेन पावरफुल ही ना हो तो मजा नहीं आता है। और इधर विजय सेतुपति की एक्टिंग, उनका जो एंगर, उनका जो सीरियसनेस देखा मैंने, उसे देख के ये फील हो रहा है कि ये बंदा बहुत ही टक्कर लेने वाला है शाहरुख खान से। और फिर वहीं से एक इमोशन सीन स्टार्ट हो जाती है जब विजय सेतुपति की एंट्री होती है और एक जगह समंथा रो रही होती है और साथ ही दीपिका भी रो रही होती है। मतलब इनका कोई ना कोई कनेक्शन है। अगर मैं स्टोरी की बात करूं, मुझे लगता है जवान के अंदर हमें दो स्टोरी देखने को मिलेगा। इसमें कुछ इमोशन सीन है, फिर बाप बेटे का सीन है, फिर इतनी लुक शाहरुख खान की। भाई अगर मैं ये कहूँ ना बॉलीवुड की ये फिल्म नंबर वन फिल्म बनने वाली है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैंने इससे पहले बॉलीवुड के अंदर ऐसी कॉन्टेंट से भरपूर मूवी कभी भी नहीं देखी। गाइज आप भी देख सकते हो, आप भी समझ सकते हो कि अभी मूवी भी नहीं आई है, उसका फिल्म भी नहीं आया है, बस उसका ट्रेलर ही आया है और ट्रेलर ही उसकी पूरी कहानी का बयां अपनी जुबानी कर रही है। वैसे गाइज आपको ट्रेलर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मूवी के बस 7 ही दिन रिलीज के बाकी हैं, क्या आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की रिव्यूज वीडियो और रोज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।